इसका बदे नहीं है और 200 का बदे नहीं है और 110 है वगैरह का बदे नहीं है। तो इस पर आज हम बात करेंगे और सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस पर मैंने किताब भी लिख दी तो कुछ लोगों दोस्तों के पास होगी भी वो, और मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी किताब है कि जिसमें मैंने कोई बात भी बगैर हवाला से नहीं ली। आखिर में मैंने चंद सफ़ों पर अपना नुक्ता नजर पेश कर दिया। नया तोपन है, उसको आप किसी भी रेफरेंस बुक के तौर पर पेश कर सकते हैं। वो एक किताब है तो यूं समझिए कि वहां पर 100 किताबों का रेफरेंस है। किसने कोई पोटेंसी इस्तेमाल की तो उसमें क्या दलील दी उसने, मर्जी आपकी है, सिलेक्शन आपकी है, जो चाहे उसमें से पसंद करें। तो उसी पर हम आज बात करते हैं। तो मैं जहां पर पोटेंसी सिलेक्शन की बात करती है वो सिकंदर आजम का एक वाकया मैं लतीफा सा जरूर बयान करता हूँ और उसी से हम शुरू करते हैं। कहा जाता है कि सिकंदर आजम एक बार कहीं जा रहा था लाल लश्कर के साथ, तो आगे उसको एक भिखारी मिल गया। उसने कहा कि अल्लाह के नाम पर एक पैसा दे दो। सिकंदर आजम बहुत नाराज हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, उसने कहा इस भिखारी को फांसी लगा दी जाए। भिखारी ने कहा कि अर्ज की बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो पूछूं कि मेरा जुर्म क्या है। सिकंदर आजम ने कहा कि मेरी हैसियत देखकर सवाल किया होगा, मैं एक पैसा देने वाला हूं, ये तुम्हारी गुस्ताखी है। तो भिखारी ने कहा कि बादशाह सलामत गुस्ताखी माफ, आधी सत्ता दे दो। इस पर सिकंदर आजम ने फिर कहा कि इसको दो बार फांसी दी जाए। भिखारी बोला आप क्या गुस्ताखी हो गई, बोला अपनी हैसियत देखकर सवाल किया। पोटेंसी का इस वाक्या के साथ बड़ा ताल्लुक है, इस पर बात करेंगे। तो जहां तक बिल मिस्र का ताल्लुक है ना, जिसको हम सिविल इमाम कहते हैं, ये होम्योपैथी से बहुत पुरानी है, आर्गेनन से भी पुरानी है। बिल मिस्र पिछले दिनों को मैं टीवी पर क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में बहुत सारी जगहों पर इशारे आते हैं कि वो तलवार जो जख्म देती है वही जख्म को मुंतमिल भी करती है। अगर आपने पुराने जमाने की जगह देखी हो, आवाज आ रही है, पुराने जमाने में उन जंगों में देखा होगा वो तलवारों से लड़ते थे और वापस जान बचती थी, वही तलवार आग पर गर्म कर पहुंचा, हम उसी पर है और वो रिजल्ट भी देती है।
या तो रिजल्ट ना दे रहा है। तो ये है कि एल एम पोटेंसी पर भी जो साथी काम करना चाहे वो करें, मैंने भी बताई हुई है, तो उसमें उसको आगे डेवलप करें। लेकिन अमली तौर पर जो हम देखते हैं बहुत कम परसेंटेज में हमारी होम्योपैथिक बढ़ाती है, सारी दुनिया में जो एल एम पोटेंसी यूज करती है। देखिए हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां 25-30 पोटेंसियां कुछ ने बनाई हुई है ज्यादातर। तो बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त अमली तौर पर सेंटेसिमल पोटेंसी की बढ़ाई। अब जैसे होता है ना द्वार को दोहराना भी इसके